नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। सरकार की कोशिशें हैं कि देश में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़े, लेकिन इन कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता की 19.5 अरब डॉलर वाली डील टूट गई है। फॉक्सकॉन ने इस डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल यानी 2022 की फरवरी में करार हुआ था, लेकिन अब फॉक्सकॉन के पीछे हटने से सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए प्लांट का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं और इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता ने हाथ मिलाया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माण समझौता बताया जा रहा था। ये सेटअप लगने वाला था गुजरात में। दोनों कंपनियों ने 2022 में गुजरात सरकार के साथ 1,54,000 करोड़ का MOU भी साइन कर लिया था। अब अचानक दोनों कंपनियों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जहां एक ओर वेदांता दावा कर रही है कि वो नए पार्टनर की तलाश में है, वहीं दूसरी ओर फॉक्सकॉन भी अकेले दम पर प्लांट लगाने का दावा कर रही है। इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष भी सामने आया है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर के टूटने से भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के लक्ष्य पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा सवाल, नए पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट को पूरा करेगी वेदांता? कंपनी का तो यही दावा है और इसके लिए कंपनी ने नए पार्टनर्स की तलाश भी शुरू कर दी है। वेदांता ने कहा कि कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए अन्य भागीदारों से संपर्क किया गया है। तीसरा सवाल, तो क्या अकेले सेमीकंडक्टर प्लांट लगा पाएगी फॉक्सकॉन? कंपनी ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। फॉक्सकॉन का संचालन करने वाली कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप ने कहा कि वो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर आशान्वित हैं और भारत की मेक इन इंडिया पहल का मजबूती से समर्थन करते हैं। अब चौथा सवाल, आखिर क्यों टूटी ये डील? दोनों कंपनियों ने डील टूटने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डील टूटने की वजह वेदांता पर भारी कर्ज को बताया जा रहा है। वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को अप्रैल 2024 तक 4.2 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिसमें जून तक 2 अरब डॉलर का भुगतान तो हो चुका है, लेकिन कंपनी पर अब भी 2.2 अरब डॉलर का कर्ज बचा हुआ है। और अब बड़ा सवाल, जिन सेमीकंडक्टर्स के लिए ये सब लड़ाई चल रही है, वो आखिर किस काम आते हैं? सेमीकंडक्टर का निर्माण बिजली से चलने वाले कई उपकरणों में होता है। इनका इस्तेमाल कारों से लेकर बाइकों तक में और टीवी से लेकर मोबाइलों तक में होता है। फिलहाल ताइवान असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। वहीं चीन दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करता है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार की योजना भी देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने की है। फॉक्सकॉन के साथ डील का टूटना क्या सरकार की कोशिशों को झटका है? शायद हाँ। ये तो जाहिर है कि सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के तहत फॉक्सकॉन के साथ वेदांता का करार हुआ था। सरकार माइक्रोन जैसी दूसरी कंपनियों के साथ भी उत्पादन के लिए बात कर रही थी, लेकिन माइक्रोन के साथ जो बात हुई है उसके तहत वो भारत में सिर्फ असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम करेगी, जबकि फॉक्सकॉन और वेदांत मिलकर भारत में उत्पादन करने वाले थे। अब दोनों कंपनियों में क्योंकि करार टूट चुका है, ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों कंपनियां अलग अलग सेमीकंडक्टर उत्पादन शुरू कर पाती हैं या नहीं।